मैम, जैसे कि अभी आपने बताया था कि आप लोगों ने क्रेच स्टार्ट किया है, तो दैट्स लाइक अ वंडरफुल इनिशिएटिव। तो उसके रिगार्डिंग आपको क्या लगता है कि क्रेच और जैसे ई लाइब्रेरी वगैरह चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं जयपुर जैसे शहर में, तो इससे क्या औरतों का और ज़्यादा एम्पावरमेंट और जॉब्स में वृद्धि होगी? निश्चित रूप से कर सकते हैं, जैसे क्रेच होती है, पर गवर्नमेंट बिल्डिंग के अंदर, जैसे नगर निगम है, नगर निगम के अंदर हमारे क्रेच अभी 2 साल पहले हमने बनाया। क्रेच बनाने के बारे में मैंने देखा कि जो महिलाएं यहाँ काम करती है तो वो अपना मातृत्व है, उसके साथ में उनको बलिदान देने की आवश्यकता नहीं है, कुर्बानी की आवश्यकता नहीं है, अपने मातृत्व को जिए और अपना काम भी करे। अब उनके बच्चे यहाँ क्रेच में हैं, वो यहाँ नगर निगम में काम कर रही हैं, तो वो अपने काम पर जितना ध्यान, पहले जब बच्चा घर पर रहता था या किस हाथ में है, उनको जो चिंता होती थी वो नहीं है। अब वो पूरा, उनको पता है कि निगम की क्रेच में सुरक्षित हाथों में उनके बच्चे हैं, तो वो समय मिलते ही वो संभालने भी जा सकती है, और उनकी कार्य क्षमता के अंदर भी वृद्धि हुई है, वो अच्छे से काम कर पाती हैं। इसी के साथ में ई लाइब्रेरी है, क्योंकि अब आधुनिक दौर है, सारी फैसिलिटी, मूलभूत सुविधाएँ होनी ही चाहिए। ई लाइब्रेरी होगी जहाँ फ्री वाईफाई जोन भी है, महिलाओं को आगे आने के लिए छोटे 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 प्लेटफॉर्म की आवश्यकता होती है। हम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी हम खोल रहे हैं कि जगह जगह स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के लिए जोन वाइज हम लोग प्लान करके कर रहे हैं, और एक ऑडिटोरियम के भी हम प्लान कर रहे हैं, ताकि जयपुर के अंदर वो सारी सुविधाएं हो, बच्चे जो खेलना चाहते हैं वो वहाँ आकर इंडोर जो एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करें, क्योंकि खेलेंगे और ये सब एक साइकिल है, चक्र है, ये चक्र है, ये चलते रहना चाहिए कि हमें जिन जिन सुविधाओं की आवश्यकता है वो सारी सुविधाएं मिलेगी, और हम उसको जंप करते हुए, एक के बाद में एक सीढ़ी पार करते हुए आगे बढ़े। ओके मैम।